हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है आलू मटर पनीर, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन टेस्ट में उसमें बिल्कुल कमी नहीं होगी। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आलू मटर पनीर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आलू मटर पनीर तीनों को ही अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग क्यूब्स में कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर फाइन चॉप, 4 हरी मिर्च फाइन चॉप, 1 टमाटो फाइन चॉप और 1 अनियन वो भी फाइन स्लाइस चॉप की हुई है। यहाँ पर ली है दही 1/4 कप। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, उसमें मैं ज़ीरा डालूंगी 1/2 टीस्पून। ऑयल गरम होते ही ज़ीरा डालेंगे, जैसे ही ज़ीरा हो जाएगा गोल्डन तभी हम इसमें अपना जिंजर और गार्लिक जो हमने फाइन चॉप किया था वो डाल देंगे। और उसके आधा मिनट बाद ही बस, जैसे ही ये गोल्डन होने लगेगा तभी हम इसमें अपनी स्लाइस्ड अनियन भी डाल देंगे और उनको भी फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने सभी चीज़ों को फाइन चॉप किया है और अनियन भी हमारी स्लाइस हैं, लेकिन बहुत ही फाइन स्लाइस हमने की है यहाँ पर। तो जब हमारी अनियन हो जाएंगी थोड़ी सी गोल्डन तभी हम इसमें अपने टमाटो और ग्रीन चिली डाल देंगे। टमाटो और ग्रीन चिली को भी हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है और उसके बाद हम अपने मसाले डालेंगे। जब तक टमाटो फ्राई होता है हम दही में अपने मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर। धनिया यहाँ मैंने 2 टीस्पून लिया है और उसके बाद नमक एज़ पर टेस्ट। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप दही में इस तरह मसाले मिक्स करके डालते हैं तो आपकी दही जो है वो फटती नहीं है और बहुत अच्छे से मसाले में भुन जाती है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तब तक हमारा टमाटो भी फ्राई हो चुका है। अब हम इस दही को अपने टमाटो अनियन जो हमने फ्राई की थी उसमें डाल देंगे। दही में मिक्स करके जब हम मसाले डालते हैं तो हमारे मसाले के जलने का डर भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दही जो है वो पानी रिलीज़ करती है और हमारे मसालों को अच्छे से पका देती है। तो यहाँ जैसे ही हो जाएगा ऑयल सेपरेट तभी हम इसमें अपनी सब्ज़ियाँ डाल देंगे। ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, चारों तरफ खुशबू फैल गई है। तो बस अब हम इसमें अपनी सब्ज़ी डाल देंगे, आलू मटर पनीर। तो इस तरह से इसे करें मिक्स और थोड़ी देर बिना पानी डाले ही इसे ऐसे ही फ्राई करें। करीब 1 से 2 मिनट इसे फ्राई कर लेने के बाद अब आप इसमें पानी डाल दें। पानी आपको इतना डालना है कि जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं और बहुत ज़्यादा पानी इसमें लास्ट में नहीं बचे, क्योंकि हम ये बहुत ही हल्की ग्रेवी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। 10 से 15 मिनट में आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। मटर तो हमने पहले ही फ्रोज़न यूज़ किए थे तो उन्हें गलाने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ आलू अच्छे से गल चुके हैं और अब ऑयल भी सेपरेट हो गया है, क्योंकि जो हमने पानी डाला था वो पूरा जल चुका है और मसाला अच्छे से भुन चुका है। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे हरा धनिया और उसके बाद हमारी सब्ज़ी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे राइस के साथ सर्व करें या रोटी, चपाती, नान, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। ऊपर आई बटन में चेक करिए कि मैंने और कौन कौन सी वीडियो डाली हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये दोनों वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।